विनोद मेहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर थे। उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। प्रोफेशनल लाइफ से इतर उनकी पर्सनल लाइफ उलझनों से भरी थी। महज 45 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ उलझनों से भरी रही। उनकी 2 बार शादी हुई और रेखा से गुपचुप शादी की। वो एक्टर मैरियल अफेयर की वजह से भी चर्चा में रहे थे। एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विनोद मेहरा, इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर कई फिल्मों में काम किया, फिर 70 के दशक में लीड एक्टर बन गए। उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। जिस एक्टर को उन्होंने पसंद किया उसे उनकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया। फिर घर वालों ने अपनी पसंद से शादी कर दी तो उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। इन सबके बीच उनका एक्ट्रेस मैरिटल अफेयर भी हुआ, लेकिन इस रिश्ते में उन्हें बहुत तगड़ा धोखा मिला। जिससे जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी संभाली, दूसरी शादी का परिवार बसाया, उनका निधन हो गया। 13 जनवरी को उनकी 78वीं बर्थ एनिवर्सरी है। विनोद मेहरा का जन्म 13 जनवरी 1945 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी सिंह मेहरा और माता का नाम कमल मेहरा था। आज़ादी के बाद उनका परिवार अमृतसर से बॉम्बे शिफ्ट हो गया। विनोद मेहरा की बड़ी बहन श्रद्धा ने कई फिल्मों में काम किया था। इसके बाद विनोद इंडस्ट्री में गए थे। उन्होंने बॉम्बे में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। विनोद बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। 50 के दशक में वो कई रोल निभा चुके हैं। 1971 में उन्होंने बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। उन्होंने गुरुदेव फिल्म बनाई थी। उनकी मौत के 3 साल बाद रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा ने 30 अक्टूबर 1990 में महज 45 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई थी।